क्या आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स में क्या प्रॉब्लम होते हैं और क्यों होते हैं? मैथ्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक पढ़ रहे हैं, फिर भी मैथ्स क्यों टाइम लेता है? कभी आपने एनालिसिस किया? आपका क्या जवाब होगा यदि मैं पूछता हूं कि मैथ्स में टाइम क्यों लगता है? क्योंकि वन डे एग्जाम में जो सब्जेक्ट होते हैं उस सब्जेक्ट में सबसे जो मेजर रोल प्ले करता है वो है मैथमेटिक्स। हर बच्चे का प्रॉब्लम जो होता है वो मैथमेटिक्स ही क्यों होता है, क्या वजह है? आप एक प्रॉब्लम बनाने के लिए सबसे जो टाइम लगता है वो ज़्यादा क्यों लगता है? जैसा कि आप जानते हैं कि जो मैथ्स है वो टेंथ स्टैंडर्ड का ही है, फिर भी टाइम क्यों लगता है? क्या आपने कभी एनालिसिस किया? क्या आपको फार्मूला याद नहीं है, या कोई नई टेक्निक नहीं है, या प्रैक्टिस नहीं है? क्या ऐसा चीज़ है जिससे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है? यदि हम बात करें तो मैथ में सबसे जो मेजर टाइमिंग होता है, अगर फार्मूले की बात करें तो फार्मूला कितना हो सकता है? मैक्सिमम 100, 200, जिसे याद किया जा सकता है। क्या याद करने के बाद हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम टाइम मैनेज कर लेंगे? नहीं ना। तो फिर हमें क्यों टाइम लग रहा है? किसी भी प्रॉब्लम में यदि फार्मूले की बात करें तो आपसे यदि पूछे परसेंटेज प्रॉफिट का फार्मूला क्या होगा, तो परसेंटेज प्रॉफिट का फार्मूला P/CP × 100। ये आपको और सभी को पता है कि फार्मूला ये होता है, फिर भी टाइम पे क्यों नहीं बनता है? जैसा कि आप जानते हैं कि एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम 33 सेकेंड टाइम दी जाती है। अब 33 सेकेंड में ये सॉल्व क्यों नहीं होता है? वजह, क्योंकि हमें डिवाइड करना पड़ रहा है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, यानी एक प्रॉब्लम में हमें दो स्टेप फॉलो करना पड़ रहा है और टाइम जो लग रहा है डिवाइड और मल्टीप्लाई में लग रहा है। यदि इस टाइम को कम कर दिया जाए, यानी कैलकुलेशन की टाइम फास्ट कर दिया जाए, तो टाइम आपका अधिक नहीं लगेगा। अब कैलकुलेशन में आता क्या क्या है और कैसे फास्ट कर सकते हैं, इससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि कितने एक प्रॉब्लम में कितने मैक्सिमम स्टेप होगा। जैसे यहां पे आपने देखा दो स्टेप, अगर हम बात करें स्पीड की या डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब यहां पे जो एक स्टेप है, यानी अगर 7892 × 893 ये जो भी है 23, तो जो टाइम लग रहा है वो टाइम कहां लग रहा है इसे कैलकुलेशन करने में। एक स्टेप तो मिनिमम है, दो स्टेप हमने देखा, मैक्सिमम कितने स्टेप तक जा सकते हैं ताकि आप 33 सेकेंड में बना दें? मैक्सिमम 3, 4, 5, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। हम 5 मान लें तो 5 से डिवाइड करेंगे तो समथिंग कितना आ रहा है, 6 सेकेंड। यानी एक कैलकुलेशन ये जो है वो 6 सेकेंड में होना चाहिए। यदि 6 सेकेंड में हो जाता है तो आप कोई भी प्रॉब्लम 33 सेकेंड में कर सकते हैं। क्या लगता है कि ये 5 सेकेंड या 6 सेकेंड में हो सकते हैं? नहीं ना। हम आपको 5 to 6 सेकेंड में बनाना सिखाएंगे, तो आज की पूरी क्लास जो होगी वो होगी 1 to 5 सेकेंड। कितने सेकेंड होगा, 1 to 5 सेकेंड, यानी आपको हर कैलकुलेशन 1 to 5 सेकेंड में आप करेंगे, मैं नहीं, क्योंकि मुझे तो आता ही है, आपको करना सीखना है। चलिए कैलकुलेशन में क्या क्या आता है एक बार फिर बताइए आप मुझे। तो कैलकुलेशन में आपके पास जो है वो है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यू क्यू रूट, ये सब कैलकुलेशन है। इसके बाद टॉपिक है, आप कोई ऐसा टॉपिक बता सकते हैं जिसमें कैलकुलेशन नहीं है? है कोई? नहीं ना। हर टॉपिक में कैलकुलेशन होता है और पूरे मैथमेटिक्स कैलकुलेशन पे ही डिपेंड होता है। आप कैलकुलेशन को फास्ट करें और देखें कि कितना टाइम मैनेज होता है, और आप हर सवाल जो सॉल्व करेंगे वो 33 सेकंड के अंदर सॉल्व कर देंगे। चलिए आज की टॉपिक हम लेंगे स्क्वायर। क्या लेंगे? स्क्वायर। हमने स्क्वायर ही क्यों लिया? क्या मुझे स्क्वायर ही आता है या और कोई रीजन है? स्क्वायर लेने का दो प्रॉफिट। स्क्वायर मीन्स होता क्या है, मल्टीप्लाई बाय सेम डिजिट, दैट इज कॉल्ड
स्क्वायर, यानी हम स्क्वायर पढ़ते हैं तो मुझे मल्टीप्लाई भी समझ में आ रहा है। तो दो टॉपिक कवर हो रहा है, इसलिए हम लोग इस टॉपिक को पहले पढ़ेंगे। हम आपसे तीन सवाल पूछेंगे और तीन सवाल का सही जवाब दें। आपका टाइमिंग है 1 to 5 सेकेंड, लेकिन अभी आप जितना टाइम लेना चाहें लीजिए, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि हमें 5 सेकेंड में करना है, बट ये सोचिए कि हमें सही करना है। चलिए पहला सवाल आपसे पूछते हैं, 996 का स्क्वायर क्या होगा? स्टार्ट कीजिए, 996 का स्क्वायर क्या होता है? आपका जो भी आंसर आया है उसका वेट कीजिए, सही आंसर है या गलत है। नेक्स्ट सवाल, 109 का क्या स्क्वायर होगा? क्या आपने इसे सॉल्व कर दिया? यदि सॉल्व कर दिए हैं तो वेट कीजिए सही आंसर का। अब लास्ट, 105 का क्या स्क्वायर होगा? आपने तीन सवाल किए, क्या ये तीन सवाल 1 to 5 सेकेंड में हो गया? यदि हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो हम करना सीखते हैं। और अभी जस्ट आप करेंगे 1 to 5 सेकेंड में। चलिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं। पहला टिप्स, कोई भी नंबर यदि 5 से एंड करता हो, कैसे एंड करता हो, 5 से, उस 5 के प्लेस पे आप 25 नोट करें। कितना नोट करना है आपको? 25 लिखे। अब इस साइड टोटल कितना बचा? 10। तो जो भी बचता है उसमें एक इंक्रीज कर दीजिए। कितना करना है? 1 इंक्रीज करना है, यानी 10 है तो कितना हो जाएगा? 11। यदि 20 है तो कितना होगा? 21। 6 है तो कितना होगा? 7। और ये इंक्रीज करने के बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। समझ में आया? इस डिजिट में 1 इंक्रीज करना है, यानी प्लस 1 करना है तो 11 होगा, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 11 × 10 इक्वल टू कितना होगा? 110। आंसर इज व्हाट? 110 25। गेटिंग? चलिए अब इस सवाल पे हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट क्या आप सही बनाते हैं। हम आपको टाइम देते हैं 2 सेकेंड, कितना? 2 सेकेंड में आप इसे सॉल्व करना है, और मुझे उम्मीद है यदि आप इसे समझ गए हैं तो 2 सेकेंड में जरूर कर देंगे। रेडी हैं? चलिए आप बताइए, आज फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं 95, मैंने आपको क्या बोला, एक इंक्रीज करना है, प्लस 1 करना है तो कितना हो गया? 10, यानी 90। और 90 पे क्या रखना है? 25। आंसर इज व्हाट? 9025। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, और इस तरह का प्रॉब्लम आपको घर पे प्रैक्टिस करें और रिवाइज करें। आप किसी के साथ बैठें और उन्हें कैलकुलेटर दें और उन्हें बताएं कि तुम कैलकुलेटर से करो और हम खुद करते हैं, और आज मुझे उम्मीद है कि कैलकुलेटर भी आपसे हार जाएगा। नहीं यकीन? चलिए एक एग्जांपल और देते हैं हम आपको, फास्ट कीजिएगा। 45 का स्क्वायर, गुड, 45 क्या बताया आपने? 45 मल्टीप्लाई 5 से होगा तो कितना हुआ? गुड, 20। और इसके जगह पे कितना रखना है? क्या लग रहा है आपको कि 1 से 5 सेकेंड में संभव है? 1 से 5 जब यूज कीजिएगा जब हम हार जाएंगे। और आज की पूरी क्लास में आपको कोई भी सवाल, कोई भी कैलकुलेशन 1 to 5 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। यदि ऐसा लगता है तो सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकता है सिलेक्शन में, तो हम क्यों ना फास्ट भागें। और हमेशा याद रखें, कोई तो होगा जो फास्ट करता होगा, कोई तो होगा जो पूरा मैथ टाइम पे बनाता होगा, तभी तो उनका सिलेक्शन हो रहा है। तो फिर हम क्यों कोई की बात करें, हम खुद की बात करें? यदि हम खुद ही इस तरह के प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा क्यों नहीं होगा? चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपका 5 के इशू में जो डिजिट 5 से एंड करता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। यदि आता है तो फिर आप मुझसे सवाल करेंगे, हम आपको बताएंगे।